आर्मी भर्ती को लेकर युवा सड़क पर उतरे, जमकर किया प्रदर्शन, सड़क जाम। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में अज्ञात विधायक मनोज मंजिल के नेतृत्व में आर्मी भर्ती को लेकर युवा सड़क पर उतरे और कई जगह पर सड़क जाम कर अपना प्रदर्शन किया। वहीं नेतृत्व कर रहे मनोज मंजिल ने कहा कि 3 वर्ष से आर्मी की वैकेंसी नहीं आ रही है, 2 वर्षों से आर्मी का फिजिकल और मेडिकल कराकर परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है, जिससे आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हो रही है। कमोवेश एयरफोर्स और नेवी की वैकेंसी का भी यही हाल है। सरकार के मनमानीपूर्ण रवैये के कारण बेरोजगार छात्र काफी परेशान है। जाम कर रहे बेरोजगार छात्र सेना भर्ती की नियमित बहाली निकालने को लेकर मांग कर रहे हैं। इस दौरान युवा आर्मी अभ्यर्थियों की मांग थी कि लंबित आर्मी बहाली को अविलंब पूरा करो, हर साल सेना भर्ती को लेने की गारंटी करो, सेना में लाखों पद खाली क्यों है, केंद्र सरकार जवाब दो, नौजवानों के सपनों को मारना बंद करो, सहित अन्य नारे लगाए गए। लगभग 2 घंटे सड़क जाम के चलते सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, यात्री परेशान रहे। बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा जाम हटाकर युवाओं को समझा बुझा कर जाम को समाप्त करवाया गया। वहीं युवाओं ने जगदीशपुर नया टोला मोड़ के समीप सड़क जाम कर आवागमन अवरुद्ध कर दिया। जाम में शामिल बेरोजगार युवक नारेबाजी कर रहे थे। 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली है, सरकार बाहरी नहीं निकाल रही है मित्रों, इसलिए आर्मी बहाली दौड़ आंदोलन है। आरवाईए के नेतृत्व में रिटायर्ड हवलदार ये हमारे चंदन पांडे हैं, चंदन पांडे जी ट्रेनर हैं, चंदन पांडे जी के नेतृत्व में युवा नेता भक्त माले के राजू यादव के नेतृत्व में आरवाईए के स्टेट सेक्रेटरी शिव प्रकाश रंजन, पप्पू कुमार राम, ये तमाम आप हमारे प्यारे साथी कमलेश जी सबके नेतृत्व में, नरेंद्र कुमार आर्यन, उज्ज्वल पासवान, ये सबके नेतृत्व में ये आर्मी बहाली दौड़ आंदोलन चल रहा है, ताकि देश के नौजवान जगे और सरकार जो सो गई है, जो भारत के नौजवानों को मारना चाहती है, जो जवानी खा रही है, नौजवानों का उम्र बढ़ रहा है, लेकिन ये सरकार बहाली नहीं निकाल रही है। इसलिए आरवाईए के नेतृत्व में ये आर्मी बहाली दौड़ जैन कॉलेज से दौड़ते हुए पुशअप मारते हुए अभी हम लोग यहाँ चेस्ट का मेजरमेंट होगा, हाइट का मेजरमेंट होगा, और ये तमाम जो आर्मी बहाली की प्रोसेस होता है ये प्रोसेस हम लोग करेंगे। भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए, और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।